आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन में अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाए तो हमारी लाइन क्या होती है, ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। जब भी इलेक्ट्रिक लाइन में किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आ जाए, चाहे वो आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, चाहे वो आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट हो, तो इस तरह के केस में क्या होती है, हमारी लाइन जो है ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। तो लाइन जो है हमारी ऑटोमेटिक ट्रिप कैसे हो जाती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सपोज जो है ये हमारा 11 KV की लाइन है, और सपोज़ हमारा क्या होता है, किसी भी एक फेज़ का हमारा वायर जो है टूटकर कहाँ पे गिर जा रहा है, हमारे ज़मीन पे गिर जा रहा है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, हमारी जो कंडक्टर जो गिरा है उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है फ्लो होने लगता है। जैसे ही इस लाइन में या फीडर में जो है अगर फॉल्ट आया, तो ये जो हमारा फीडर या लाइन है ना, वो किसी न किसी सब स्टेशन से आ रही होती है, और इस सब स्टेशन में एक कंट्रोल रूम होता है, और इस कंट्रोल रूम में इस फीडर की कंट्रोल पैनल्स होती है, और इस कंट्रोल पैनल्स में एक रिले लगा होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये हमारा कौन सा रिले है, ये हमारा है ओवर करेंट एंड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन रिले है, और इसके बगल में ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा हुआ है। अब जो हम लोग देखते हैं कि इस रिले में जो है क्या क्या चीज़ जो है दी हुई रहती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है आपका इन सर्विस, मतलब जब आपकी लाइन जो है सर्विस में रहेगी तो इसका जो लाइट जो है आपका ग्रीन कलर का जलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे में आपको क्या क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है और L3 दिया हुआ है। ये आपको क्या बता रहा है, ये तीनों फेज को बता रहा है। और जो है उसके नीचे ये आपका ई लिखा हुआ है, ई मतलब यहाँ पर अर्थ दिखा रहा है। और सबसे लास्ट में जो आपका ट्रिप सर्किट, जब आपकी सर्किट ट्रिप करेगी तो यहाँ पर भी आपका जो है लाइट जो है जल जाएगी। जैसे ही हमारी लाइन जो है फॉल्ट के कंडीशन में होगी तो ये रिले हमारी जो है ट्रिप कर जाएगी, और साथ ही साथ ये रिले आपको ये भी बताएगी कि यह किस तरह का फॉल्ट हुआ है। सपोज़ जो है हमारा लैंड टू ग्राउंड अगर फॉल्ट हुआ है, तो जो कंडक्टर जो है ग्राउंड को टच करेगा उसकी लाइट जलेगी। कहने का मतलब, अगर हमारा L1 वाली जो है तार अगर गिर गई है ज़मीन पर, तो क्या होगी, हमारी L1 वाली जो है लाइट आपकी ब्लिंक करने लगेगी, जलने लगेगी। सपोज़ आपका L2 वाली कंडक्टर गिरी है तो वो आपकी जलने लगेगी, अगर L3 वाली गिरी है तो आपकी L3 जलने लगेगी। और साथ ही साथ आपकी जो है क्या हो रहा, वो जो कंडक्टर है वो आपको किससे टच कर रहा है, आपका ग्राउंड से टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी अर्थ वाली भी जो लाइट जो है ब्लिंक करने लगेगी। इससे जो है वो जो रूम में रहेंगे उसे पता चल जाएगा कि जो हमारी जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। और जो है साथ ही साथ जो है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बेल लगा होता है वो भी जो है कस के जो है रिंग होने लगता है, जिससे कि जो भी ऑपरेटर होते हैं उसे पता चल जाता है कि कहीं पर फॉल्ट आ गया है। और जो है इसके नीचे क्या है हमारा, ये हमारा मास्टर रिले है, और जो है हमारा जो ट्रिप होता है ना, यही मास्टर रिले जो है आपका ट्रिप होता है। और जैसे ही रिले ट्रिप होगा ना, तो यहाँ पर जो है रेड जैसा आपको दिखने लगेगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी रिले है ना वो ट्रिप हो चुकी है। अब जो है हम लोग ये समझने वाले हैं कि इस रिले को ट्रिप कौन करवा रहा है, इसे सिग्नल कौन दे रहा है, और जो साथ ही साथ जो हमारी लाइन जो होती है ना वो फॉल्ट कंडीशन में ऑफ कैसे हो जाती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को क्या समझना होगा, CT रिले और सर्किट ब्रेकर के रिलेशनशिप को समझना होगा, इसके बाद जो है आप आसानी से समझ पाओगे। सपोज़ जो है यहाँ पर मेरा क्या हुआ, फॉल्ट हुआ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो यहाँ पर आपका देखिए आगे में क्या लगा, ये आपका CT लगा हुआ करंट ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है, आपको करंट को मेज़र करता है, और साथ ही साथ ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो इस वीडियो में आपको ये भी समझ में आ जाएगा जो हमारा कैसे जो हमारा CT जो है एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर फॉल्ट आया तो होगा कि हमारा करंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, अब ये आपका सपोज़ मेज़र करता है 500 एम्पेयर को, ये आउटपुट में कन्वर्ट करके सपोज़ 5 एम्पेयर देता है। तो जैसे ही हमारा जो करंट बढ़ेगा ना, तो क्या होगा हमारा, सपोज़ मेरा करंट बढ़ के कितना हो गया, 1500 एम्पेयर इनपुट में, तो ये आउटपुट में लगभग जो आपको 7.5 एम्पेयर देगा। तो जैसे ही जो है हमारा अचानक से करंट बढ़ने से क्या होगा, तो ये हमारा सीटी क्या करेगा, हम मुझे जो है रिले को जो है एक सिग्नल देगा कि जो है आपका जो है करंट जो है काफ़ी बढ़ गया, तो इसके वजह से क्या होगी, रिले जो है ट्रिप करेगी। ट्रिप कौन करेगा, ये देखिए आपका ये हमारा जो मास्टर
रिले जो है मास्टर ट्रिप रिले है ना, तो ये एनर्जाइज्ड हो जाएगा और ये आपका दिख रहा है नीचे में स्प्रिंग जैसा, यही आपका क्या होता है ट्रिप होता है। जैसा ही ये हमारा ट्रिप होगा, कहने का मतलब रिले मेरा ऑन कंडीशन में आ जाएगा और ये जो है किसको सिग्नल देगा हमको, सर्किट ब्रेकर को जो है सिग्नल देगा। तो सर्किट ब्रेकर फिर क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर इसका यहाँ पर जो है रिले को जो आपका ट्रिप होने से पहले सर्किट ब्रेकर क्या होता है यहाँ पर क्लोज़ होता है, क्लोज़ होता है कहने का मतलब यहाँ पर करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही जो आपका रिले जो है ना सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा ना, तो सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने से क्या होगा यहाँ पर ओपन सर्किट जो है यहाँ पर बन जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो लाइन होगी ना वो कट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि जब अगर हमारी इलेक्ट्रिक लाइन में अगर किसी तरीके का हमारा फॉल्ट आता है तो हमारी लाइन जो है कैसे जो है ऑटोमेटिक जो है ट्रिप होती है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिए और इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर